हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मास्टर क्लास। दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी की आगामी भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि आगामी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, मंडी परिषद, चकबंदी अधिकारी, लोबर पीसीएस, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, यूपी चकबंदी लेखपाल, इन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर, इनके सिलेबस को माइंड में रखते हुए इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है दोस्तों। और इसमें जो 40 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इन सभी परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे वो मंडी परिषद का विद्यार्थी हो, चाहे चकबंदी अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे होम्योपैथिक या यूपी लेखपाल की, तो सभी के लिए ये कंबाइंड मॉक टेस्ट है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए या मॉक टेस्ट समझ लीजिए, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको जरूर फॉलो करें डेली। इससे पहले शाम 6 बजे मैंने जीके जीएस का भी इसी तरीके से कंबाइन यूपी ट्रिपल एससी की मास्टर क्लास लगाई दोस्तों। आज शाम 6 बजे जिन लोगों ने जीके जीएस की क्लास नहीं ली है, आप लोग इस क्लास के बाद में जरूर लीजिएगा। उसको बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट करवाया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव सेशन स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोनों लाइव सेशन का टाइम आपको बता दे रहा हूँ, शाम 6 बजे जीके जीएस का लाइव मॉक टेस्ट होगा सभी परीक्षार्थियों के लिए कंबाइन, और रात 8 बजे इस टाइम आपका हिंदी होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप सभी लोग साथ साथ आंसर भी करते रहिएगा, वीडियो के अंत में बताना कि टॉप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी का सही उत्तर होना चाहिए। फटाफट आप लोग सही उत्तर से स्टार्ट कीजिए अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। चलिए 5 सेकंड सिर्फ देंगे आपको टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, रीतकाल का कवि माना जाता है घनानंद को, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है, सचिदानंद, हरिनंद, हीरानंद, वत्स्यान का उपनाम है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सही है, अज्ञे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? कविता प्रसिद्ध है या सवैया प्रसिद्ध है, पद प्रसिद्ध है या दोहे प्रसिद्ध हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यहां पर सही है, दोहा प्रसिद्ध है बिहारी के। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन बी यहां पर सही है, ब्रज भाषा में सूरदास ने सूर सागर की रचना की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर दें आप लोग फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सिर्फ 5 सेकंड आपको मिलते हैं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 24। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम, ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए रिपीट होता रहता है प्रैक्टिस सेट में, कि रामचरितमानस में जो कांड हुए हैं उनके सही क्रम क्या है, यानी कि पहले जो कांड हुआ उसके बाद जो कांड फिर कांड, तो कौन कौन से कांड, मतलब सीरियस सीक्वेंस में आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दें आप लोग पढ़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, पहले बाल कांड हुआ है, ठीक है, फिर अयोध्या कांड हुआ, फिर सुंदर कांड हुआ, फिर लंका कांड हुआ है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में ये घटित हुए घटनाएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दें, 40 में 35 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने हैं पहले प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही उत्तर दें आप लोग फटाफट, बहुत ईजी क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही है, दीर्घायु, ठीक है, ये एकदम सही वर्तनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, चतुर का असमानार्थी शब्द है, असमानार्थी,
ठीक है, समानार्थी नहीं असमानार्थी, आप लोग शब्द को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या है बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है पामर, ठीक है, ये असमानार्थी शब्द है चतुर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए योग ऋण शब्द का चयन कीजिए, तो योग ऋण शब्द का चयन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है गजानन, ठीक है, ये योग ऋण शब्द है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। 11 का उत्तर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है आप लोग फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यहां पर सही है हरिवंश राय बच्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दें आप लोग फटाफट, आप लोग आंसर करने की कोशिश किया कीजिए ताकि वीडियो लंबी ना बने। 40 क्वेश्चन हम 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, इनको कवियों का कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए आनंद कदम्बनी के संपादक कौन थे, आपने नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दें फटाफट, ऑप्शन सी इसका सही है बद्री नारायण चौधरी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय हैं बताएं। 14 का उत्तर दें आप लोग, कौन है जो भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं या लोकप्रिय हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी सही है माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए केशव कहीं न जाई का कहिए यह पंक्ति किसकी है। 15 का उत्तर दें आप लोग। पंद्रह का जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है तुलसीदास, यहाँ पर बहुत लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, केशव दास यहाँ पर मैच कर रहा है तो शायद केशव लगाया होगा, लेकिन डी ऑप्शन सही है तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर बिहारी किस काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है रीतकाल के कवि थे बिहारी जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है आदिकाल, ठीक है, आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इदनम रचना किसकी है बताएं। 18 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी यहां पर सही है मैत्रीय पुष्पा की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। 19 का उत्तर दें जल्दी जल्दी उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है निपट, ठीक है, ये विशेषण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बताएं। 20 का राइट आंसर, निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही है यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए योजक चिन्ह है बताएं, योजक चिन्ह कौन सा है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर दें आप लोग। योजक चिन्ह आपको पहचानना है, विराम चिन्ह से प्रश्न आया है, 21 का सही उत्तर दें आप लोग। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ये वाला चिन्ह जो होता है ये योजक चिन्ह होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 22, देखिए यह
ये नई साड़ी है, वाक में नई शब्द है, बताएं, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, सही विशेषण है। तो देखिए यह नई साड़ी है, तो जो नई है वो साड़ी की विशेषता बता रही है, ठीक है, या नई साड़ी है या पुरानी साड़ी है, ठीक है, तो ये साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पवन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, पहचानना है, 23 का उत्तर दें आप लोग। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, 200 लाइक का एम रखते हैं, 200 लाइक अगर आ गए कल तक तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, आपको 6 बजे GK GS का आएगा लाइव और 8 बजे ये हिंदी का होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, पाव धन अन बराबर पवन, ठीक है, यही सही संधि विच्छेद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, देखिए जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हों तो उसको कहते हैं, 24 का उत्तर दें आप लोग, द्वंद्व समास कहते हैं, दीर्घ समास कहते हैं, प्रधान समास कहते हैं या तत्पुरुष समास कहते हैं? जब किसी समास में दोनों पद दोनों शब्द प्रधान हो, यानी कि दोनों पद प्रधान हो, 24 का उत्तर दें आप लोग। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए यहां पर सही है, द्वंद्व समास कहते हैं उसको, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 से, देखिए जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? 25 का उत्तर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, दीर्घ समास उसको कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 से, देखिए स्वर सहित व्यंजन है, स्वर सहित व्यंजन कौन सा है इसमें? 26 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यहां पर सही है, अनुनासिका कहलाते हैं वो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए आपके सामने, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग किससे कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर दें, धर्म, प्राचीन, रथ या राष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहां पर सही है, प्राचीन, इस प्रकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में डैश आ जाता है, क्या आ जाता है? समानता आ जाता है, अंतर आ जाता है, भेद आ जाता है या अंतर, ठीक है, बात एक ही है, वर्तनी गलत है अंतर की। 29 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, अंतर आ जाता है अगर वर्तनी की त्रुटि हो शब्द में, ठीक है, या वाक्यों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए कैसा चांद डैश सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन की करिए, ठीक है, 30 का उत्तर दें आप लोग। देखिए निपात जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बताना चाहूंगा, निपात उसे कहते हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, तो उसे निपात कहते हैं। तो कैसा चांद, ठीक है, तो यहां पर बताएं आप लोग क्या आएगा, कौन सा निपात? तो 30 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, सा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, ठीक है, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 है, बाढ़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? बाण का, 31 का उत्तर दे, पर्यायवाची आपको बताना है बाण का। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, तीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए जिसकी चार भुजाएं हों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसकी चार भुजाएं हों उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, चतुर्भुज, ठीक है, उसको चतुर्भुज कहते हैं जिसकी चार भुजाएं हों। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? 35 का उत्तर दें, लौट कर आया हुआ के
के लिए एक शब्द कौन सा है? थर्टी थ्री का आंसर दें आप लोग फटाफट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहा हो, ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ जितने लोग लाइव देख रहे हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है प्रत्यागत। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए देव ऋषि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? देव ऋषि का बताएं, 34 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही है, देवधन ऋषि। आप लोग आंसर साथ साथ करते रहें दोस्तों, ये देव ऋषि का संधि विच्छेद हो जाएगा। आंसर आप लोग साथ साथ करते रहें, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करें, अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहें आंसर क्वेश्चन के साथ साथ। 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? 35 का आंसर दें आप लोग, चलिए 35 का आंसर दें आप लोग, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है बताना है। चलिए 35 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, भक्षक, रक्षक का विलोम भक्षक। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है? 36 का आंसर दें आप लोग, ती प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? आपको 37 का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर सही है द्वंद समास है, देवासुर। ठीक है, जो देव का असुर, देव का असुर, असुरों का देव, देवासुर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो पद हैं वो प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। 37 का आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? 38 का उत्तर दें, इजी सा क्वेश्चन है, सिर से पैर तक इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थर्टी एट का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर सही है आदि से अंत तक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, शासन का युद्ध शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? थर्टी नाइन का आंसर दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, शासन, ये शुद्ध वर्तनी है यहाँ पर शासन का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है? इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? आपको 40 नंबर का उत्तर देना है दोस्तों, साथ ही साथ चैट बॉक्स से बाहर निकले और नीचे कमेंट बॉक्स में जाएँ, और इस सेशन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए 40 में से, ये आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ, और ये वीडियो को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले शाम 6 बजे जीके जीएस की कंबाइंड क्लास हो चुकी है, UP SSC की आगामी परीक्षाओं को के अकॉर्डिंग वो सारी सेशन क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, तो उस क्लास को जरूर लीजिएगा, वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर वो क्लास लगी हुई मिल जाएगी, आप लोग उस पर क्लिक करके उस सेशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी से है, वीर रस है इसमें। इसी का सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डेट और तो डेली शाम 6 बजे आपका GK GS का कंबाइंड क्लास होगा, UP SSC मास्टर क्लास, उसके बाद रात 8 बजे UP SSC मास्टर क्लास में हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी टाइम। तो आप लोग चकबंदी अधिकारी, लोबर PCS, मंडी परिषद, होम्योपैथी फार्मेसी, चकबंदी लेखपाल, इन सभी परीक्षार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों क्लास को फॉलो करें जब तक आपका अलग अलग टेस्ट एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो जाता। जैसे ही एग्जाम डेट डिक्लेयर होता है मैं अलग अलग प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दूंगा, तब तक के लिए ये सेट आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, आप लोगों का रिविजन और प्रैक्टिस दोनों होता रहेगा। और अगर आप मंडी परिषद या चकबंदी अधिकारी या फिर RRB NTPC या किसी भी भर्ती परीक्षा के बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सभी परीक्षाओं के जो मेरे नज़र में बेस्ट बुक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से कि आप क्लिक करके बुक परचेस कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए ये आपकी मर्जी है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट अभी आएंगे, बाद में भी आते हैं, बहुत सारे कमेंट पूछते हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सी रहेगी या किस बुक से आप प्रैक्टिस कराते हैं, तो मैं जो प्रैक्टिस सेट बेस्ट है वो मैंने कमेंट आपके डिस्क्रिप्शन में लगा दिया लिंक, आप परचेस कर सकते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, आप घर पर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर
नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दें, बगल में बेल आइकन को आएगा उसको एनेबल कर दें ताकि जब भी लाइव सेशन स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता तब भी मैं टाइम आपको बता दे रहा हूँ, 6 बजे GK का, रात 8 बजे हिंदी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।